फाइनल दोस्तों, आप सबको बता कि हम हमारे चैनल पर मोटो एच 50 फ्यूजन के काफी सारे कंपैरिजन कर रहे हैं और अभी जो मोटो एच 50 फ्यूजन है वो अंडर 25,000 लॉन्च हो रहा है। और 25,000 दोस्तों, मोटो एच 50 फ्यूजन ही एक ऐसा इकलौता स्मार्टफोन नहीं है जो कि इस प्राइजिंग में आ रहा है। एक और काफी कमाल का स्मार्टफोन जो कि हमें इसी प्राइजिंग में देखने जाएगा, जिसका नाम है IQ Z9 Pro 5G स्मार्टफोन। दोनों स्मार्टफोन लगभग एक ही प्राइजिंग के अंदर आ रहे हैं और दोनों स्मार्टफोन काफी तगड़े स्पेक्स के साथ आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब इन दोनों स्मार्टफोन का कंपेरिजन तो बनता है। अगर आप दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन किस रीजन से बेहतरीन होने वाला है। तो अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन होने वाला ना एक स्पेक्स बेस पर ही कंपैरिजन होने वाला है। लुक एंड डिजाइन से शुरुआत करेंगे। एंड लुक एंड डिजाइन की बात करो तो IQ Z9 Pro में हमें बैक में ग्लोजी बैक देखने जाता है, जहां पर ड्यूल कैमरा सेटअप देखने जाता है और बैक का डिजाइन है ना IQ 12 सीरीज से इंस्पायर्ड हमें यहां पर देखने मिल जाता है। फ्रंट साइड में आते हैं तो 1.5 की एमोलेड डिस्प्ले देखने जाते हैं, जो कि मिड पंच होल डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने जाता है एंड यहां पर आपको 1000 निट्स प्लस की पीक ब्राइटनेस देखने जाती है। डिस्प्ले 1.5 के एमोलेड है, बेजल्स है काफी हद तक यहाँ पर कम देखने को मिल जाते हैं, जिसे अगर मैं व्यूज एंगल की बात हूँ वो हमें यहाँ पर काफी तगड़े देखने जाते हैं। आउटडोर विजिबिलिटी है वो भी यहाँ पर काफी कमाल की रहती है। दूसरी तरफ अगर मैं मोटो एज 50 फ्यूजन की बात करूँ तो बैक में यहाँ पर वीगन लेदर के साथ स्मार्टफोन आता है और यहाँ पर जो डिजाइन है भाई वो यहाँ पर काफी कमाल का स्मार्टफोन का देखने मिल जाता है। फ्रंट साइड में आते हैं तो यहाँ पर मिड पंच होल डिस्प्ले है, कर्व एजेस के साथ डिस्प्ले हमें देखने जाती है और ये जो डिस्प्ले पी ओलेड डिस्प्ले हमें देखने मिलती है। 144 हर्ट्ज का यहाँ पर भी रिफ्रेश रेट देखने जाता है एंड 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने जाती है। बेजल्स है यहाँ पर भी हमें काफी हद तक कम देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी जो व्यूज एंगल हमें देखने मिलते हैं काफी अच्छे देखने जाते हैं। देखो, मैं दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन आपको दिखा चुका हूँ, आप बताना आपको इन दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन में से कौन से स्मार्टफोन का डिजाइन पसंद आया। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूँ दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्लेज की, देखो यार वैसे दोनों स्मार्टफोन डिस्प्लेज अच्छी है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एक स्मार्टफोन की डिस्प्ले चूज करने के लिए तो मैं आपको कहूंगा आप यहाँ पर IQ Z9 Pro 5G स्मार्टफोन की डिस्प्ले चूज कर सकते हो, वहां पर जो डिस्प्ले है आपको थोड़ी ही बेटर देखने को मिल जाएगी। सेकंड, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ दोनों स्मार्टफोन के कैमराज की तरफ। और कैमराज की बात करो तो IQ Z9 Pro 5G स्मार्टफोन में ड्यूल रियर कैमरा के साथ देखने जाता है, जो कि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने जाता है। सोनी के लेंसेज मिलते हैं, स्कैंडी लेंस है 2 मेगापिक्सल का एंड 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने जाती है। रियर साइड में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जबकि बात करता हूँ मोटो एज 50 फ्यूजन 5G स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर यह स्मार्टफोन भी हमें ड्यूल रियर कैमरा के साथ ही देखने जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का एंड स्कैंडी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का देखने जाता है। सेल्फी है 32 मेगापिक्सल की देखने जाती है, यहाँ पर भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो कि यार अपनी अपनी प्राइसिंग में दोनों ही स्मार्टफोन बेहतरीन कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं। मैं आपको दोनों स्मार्टफोन के कुछ कैमरा सैंपल्स प्रोवाइड करवाता हूं, जिससे आपको थोड़ी हेल्प होगी दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी को जज करने में। और यहां पर अगर आप दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी देखोगे तो नो डाउट यहां पर मोटो एज 50 फ्यूजन की कैमरा क्वालिटी थोड़ी ही बेटर देखने में जाती है, चाहे क्लियरिटी वाइज बात हूं, कलर्स वाइज बात हूं या सैचुरेशन वाइज बात हूं, सभी चीजों में मोटो एज 50 प्रो 5G स्मार्टफोन का कैमरा थोड़ा बेटर हमें देखने में जाता है। चाहे दोस्तों मैं यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो वहां पर भी मोटो 50 Pro थोड़ा आगे निकल जाता है। देखो, मेरे ओपिनियन से मोटो एज 50 फ्यूजन का कैमरा अच्छा है। आपको कौन से स्मार्टफोन का कैमरा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फाइनली अगर मैं बात करता हूं दोस्तों बैटरी बैकअप एंड यहां पर परफॉर्मेंस की, और परफॉर्मेंस की बात करता हूं IQ Z9 Pro हमें देखने जाता है स्नैपड्रैगन के 7th Gen 3 चिपसेट के साथ, जिसकी वजह से ये इस प्राइसिंग में वन ऑफ द पावरफुल स्मार्टफोन में से एक हो जाता है। एंड दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं मोटो एज 50 फ्यूजन की, तो ये स्नैपड्रैगन के 7S Gen 2 चिपसेट के साथ देखने जाता है। देखो यार, अगर मैं स्नैपड्रैगन के 7th Gen 3 की बात करूं ना, जैसे कि बताया कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन में से एक हो जाता है इस प्राइसिंग वाले स्मार्टफोन में से, और मैं अगर इन दोनों स्मार्टफोन के एंटीटू बेंचमार्क स्कोर भी दिखाऊं तो भी आपको इजीली यहां पर डिफरेंस पता चल जाएगा नंबर्स वाइज भी, और अगर आप दोनों स्मार्टफोन में गेमिंग करोगे तो वहां पर भी आपको इजीली दोनों स्मार्टफोन का डिफरेंस है जो पता चल जाएगा। तो नो डाउट चाहे मैं ग्राफिक्स वाइज बात करूं या स्मूथनेस बात करूं या गेमिंग एक्सपीरियंस की बात हूँ, तो वो आपको IQ Z9 Pro में थोड़ा अच्छा मिलने वाला है। लास्ट में फाइनल दोस्तों बात करते हैं अभी बैटरी बैकअप की, और बैटरी बैकअप की बात को तो IQ Z9 Pro में देखने जाता है 6000 mAh की बैटरी के साथ, जहां पर हमें 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने जाता है। दूसरी तरफ मोटो एज 50 फ्यूजन की बात को तो ये हमें मिल जाता है 5000 mAh की बैटरी के साथ, जहां पर 68W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। यानी IQ Z9 Pro भाई हमें चार्जिंग स्पीड तो अच्छी प्रोवाइड करवाता ही है, लेकिन जो बैटरी बैकअप है वो भी आपको काफी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। तो ये
दोस्तों सारी चीजें दोनों स्मार्टफोन के बारे में जो कि मैंने आपको बताई। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और आई थिंक आप यहाँ पर आए हो तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। देखो यार, अगर आपकी प्रायोरिटी है कैमरा, आपको चाहिए इन दोनों स्मार्टफोन में से अच्छा कैमरा स्मार्टफोन जिसमें अच्छी फोटोज क्लिक कर पाओ, अच्छी वीडियोज ले पाओ, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मोटो एज 50 फ्यूजन 5 स्मार्टफोन। आप उस स्मार्टफोन में काफी अच्छी खासी कैमरा क्वालिटी ले सकते हो, लेकिन आपको चाहिए भाई मैसिव परफॉर्मेंस चाहिए स्पेसिंग में, आपको अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी गेमिंग चाहिए, तो आप Exynos 9 Pro 5G स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब आप बताना आप इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन लेने वाले हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट में, जय दोस्तों।